बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। महिलाएं जो है बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, आप देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने गाना लेके आए हैं। 111 कन्या श्री भागवत कथा दान केंद्र है यहाँ पे, 111 कन्याओं की शादी है तो दान हो रहा है, फिर लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं। अच्छा, नगद धनराशि भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, कुछ तो वो भी दे गए, पायल बिच्छू। अच्छा, ये सब भी दे रहे हैं कन्याओं के लिए, तो ये सारी चीजें देखिए दान कर रहे हैं इस तरीके से, ये कन्याओं के लिए जो है दान हो रहा है, आप देख रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, और हम जो है पहुंच गए हैं आज भी भागवत कथा सुनने के लिए। आज तीसरा दिन है और पापा जी जो है बिल्कुल तैयार होके कुर्ता पहन के आए हैं, क्यों पापा जी? हाँ, तो आज पापा जी पूरे भक्ति के माहौल में हैं, कल इनको बहुत अच्छा लगा आके, तो अच्छा लग रहा है। हम दो तो पहुंच गए हैं और आप सब भी जो है हमारे साथ हैं, तो आप लोग भी जो है भागवत कथा का आनंद लीजिए हम लोगों के साथ, तो अंदर चलते हैं फिर। चंदन का टीका भी सबको लगाया जा रहा है, तो अभी हम लोगों को भी चंदन का टीका लगेगा। इस तरीके से जो है चंदन का टीका जो है यहाँ लग रहा है, सभी लोगों को यहाँ पे लगाया जाता है, उसके बाद जो है भागवत कथा सुनने के लिए सब लोग अंदर जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो है कैरी बैग लेना होगा, कैरी बैग में जो अपनी स्लीपर्स लेनी होगी, तो कैरी बैग दे दो भाई। तो कैरी बैग जो है मैंने यहाँ से ले लिया और अपनी स्लीपर जो है मैं रख देता हूँ, और भागवत कथा की शुरुआत होने ही जा रही है, ढाई बज चुके, लोग अंदर चलते हैं। तो आप सभी को बांके बिहारी लाल की जय, और मेरे साथ चलिए आप लोग भी, आज भी आप देखिए भागवत कथा मेरे साथ। पापा जी को जो है चेयर पे मैं बिठा दूंगा, और सबसे आगे जा करके जो है पापा जी को चेयर पे मैं बिठा देता हूँ, अभी भीड़ कम है, अभी लोग कम आए हैं। आरती स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही सुंदर जो है आरती हो रही है, फटाफट चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो है आरती स्टार्ट हो गई है और भागवत कथा शुरू होने वाली है। अब जो है आरती के बाद मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन करा देता हूँ, एक बार आप ठाकुर जी के भी दर्शन कर लीजिए। ठाकुर महाराज जी बहुत ही जो है सुंदर वस्त्रों में, कल पिंक कलर के थे, आज जो है नेवी कलर के वस्त्रों में जो बांके बिहारी लाल जी हैं वो आप देख रहे होंगे, और ग्रीन कलर का जो उनका सिंहासन सजा हुआ है, दोनों तरफ गौ माता है, और नीचे आप देख रहे होंगे मछली, बहुत ही सुंदर जो है सजाया गया है बांके बिहारी लाल जी के, आप दर्शन कर लीजिए। सभी लोगों को जो है भागवत कथा का फल प्राप्त हो, बहुत ही सुंदर है, देखिए आप सामने से कितना प्यारा जो है सजाया गया है सिंहासन बांके बिहारी लाल जी का। तो भागवत कथा की जो शुरुआत हो गई है और मैं यहाँ पे आके अब बैठ गया हूँ, और आप लोगों को भी दिखाता रहूंगा बीच बीच में, तो आप लोग भी भागवत कथा का जो है आनंद लेते रहे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम सब कथा में प्रवेश कर रहे हैं, उससे पूर्व थोड़ी देर के लिए भगवान नाम का आश्रय लें, जिससे हमारा ये चित्त शुद्ध हो और वाणी पवित्र हो जाए, क्योंकि इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का यदि कोई साधन है तो भगवान नाम है। आइए, जय राधे राधे, जय जय श्यामा प्यारी, राधे जय राधे राधे। तो आप सब जो है साथ के साथ जो है भजन करते रहिए और भागवत कथा का इसी तरीके से आनंद लेते रहिए। राधे जय जय श्यामा प्यारी,
सेवा देते हुए पूरी आयोजक श्री हरिशरणम जन हमारे श्री भाई जी एवं पवित्र ये प्रांगण निरंतर दो दिन से आप श्रीमद् भागवत कथा का सब भक्त श्रवण लाभ ले रहे हैं, उसके जीवन में ऐसे संस्कार उसे प्राप्त हो कि निरंतर वो ऊर्जावान हो करके जिसके अंदर आत्मबल बढ़े और एक एक कदम प्रगति की ओर जाए, ऊंचाई की ओर जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ भगवान की भक्ति से भी जोड़ना, भक्ति से विमुख नहीं करना। सुंदर जो है भजन मृदुल किशन जी के द्वारा जो है गाया जा रहा है, इस समय आप देख रहे हैं। तो आप सब भी इसका आनंद लें। भगवान के भजन में किस तरीके से नृत्य किया जाता है और घूमा जाता है तो आप देख रहे हैं। कान्हा जी भी लेके आई है। काफी लोग जो है अपने अपने घर से कान्हा जी को लेके आए हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं जैसे कि ये काफी लोग जो है इस समय भक्ति में चूर हैं और आप देख रहे हैं कितना ही प्यारा जो है यहाँ पे माहौल बना हुआ है। किशोरी मेरी कुसुम करी कान्हा मावे माखन लोना, कान्हा मावे माखन लोना। आप सब की इन भजन के साथ जो है आप सब नृत्य कर सकते हैं और आप देख रहे हैं मस्ती में घूम सकते हैं। भजन की कान्हा जी की जो है मस्ती वो इस तरीके की होती है, आप देख रहे हैं। काफी लोग जो है यहाँ पे कान्हा को लेके आए हैं और इस नृत्य कर रहे हैं कान्हा के साथ, काफी अच्छा लग रहा है। और आप सब लोग भी देख ही रहे हैं, आप लोग भी जो है इसी तरीके से जो है मेरा ब्लॉग को देखते रहें और भागवत कथा का आनंद लेते रहें। महिलाएं जो है बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, आप देख रहे हैं। भागवत कथा में जो है पूरा ही मस्ती का जो है माहौल है और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है भजन की मस्ती में लोग झूम रहे हैं, कान्हा जी की मस्ती में भी झूम रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं सब लोग जो है मस्ती में झूम रहे हैं और भजन मृदुल किशन जी बहुत ही अच्छे अच्छे जो है सभी भक्तों को सुना रहे हैं। बहुत अच्छी जो है भागवत कथा हो रही है यहाँ पे और मुझे पता है आप सब लोग भी जो है बहुत खुश हो रहे हैं सब देख के। मेरे ब्लॉग
आपके जरिए आप सब देख पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कमेंट करें आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जो है हमारे चलने का वक्त आ गया है, 2 बजे आए थे हम लोग और अब बज गए हैं 4। मेरे जानने योग्य पापा जी क्या है, मैं घर छोड़ दूंगा, इसके बाद मुझे किसी काम से जाना है। तो आज कैसा लगा आज का बहुत अच्छा था कार्यक्रम, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया और सब जो है मस्ती में झूम रहे थे और कान्हा जी की मस्ती में झूम रहे थे। तो भागवत कथा जो है हमारे शहर भवानी में MB इंटर कॉलेज के बैक साइड में जो ग्राउंड है उसमें हो रही है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आइए। तो अब जो है मैंने स्लीपर पहन लिया है और स्लीपर पहनने के बाद जो कैरी बैग हमें मिला था उस कैरी बैग को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। इस कैरी बैग को डालना है हमें ड्रम के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ड्रम के अंदर जो है हमने कैरी बैग डाल दिया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। और मैं हर बार आपको एक बात जरूर बता रहा हूँ कि 19 तारीख को जो है 111 कन्याओं की जो यहाँ पे विवाह होने वाला है, तो जो गरीब कन्याएं हैं जिनके पास पैसे नहीं है उन लोगों का यहाँ पे विवाह होगा, उसके लिए जो है यहाँ पे कन्यादान कर सकते हैं। जो आपको लगता है यहाँ पे दान करना है वो चीज़ें आप दान कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उस जगह पे, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं दान और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर मेरे इस ब्लॉग के जरिए किसी को दान करना है तो वो लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनका दान हो जाएगा। 111 कन्या श्री भागवत कथा दान केंद्र है यहाँ पे और सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था तो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे इस बार भी दान हो रहा है। तो वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति से पांडे जी भी हैं, पांडे अंकल जी भी बताएंगे। लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं। अच्छा, नगद धनराशि भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, कुछ तो वो भी दे गए, पायल बिच्छू। अच्छा, ये सब भी दे रहे हैं कन्याओं के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा उत्साह है लोगों के बीच में, काफी अच्छा हो रहा है और रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। अच्छा, चाहा तो कन्यादान के दिन तक हम काफी अच्छा यहाँ पर। अच्छा, तो ये सारी चीजें देखिए दान कर रहे हैं इस तरीके से, ये कन्याओं के लिए जो है दान हो रहा है आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी मतलब आपको जिनको जो दान देना है वो दे सकता है यहाँ पे। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की वो ये हमको एक दायित्व दी है, हमारी पूरी टीम लगातार लगी हुई है, पूरी तरह से हम लोग 2 बजे से लेकर 6:30 से 7 बजे तक यहाँ पर लगातार बैठ रहते हैं, 12-14 लोग हमेशा। बहुत अच्छा हो रहा, राधे 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 कृपा होगी। तो 19 तारीख को जो विवाह होगा उसमें सब लोग शामिल है फिर? हाँ, हम लोग सब शामिल। तो सब लोग फिर एक बार बोल दीजिए बाके बिहारी लाल की जय। तो पापा जी और मैं अब चलते हैं और कल फिर से आएंगे एक बार। और आपने देखा कि 111 कन्याओं की शादी हो रही है और इतनी सारी चीजें जो है कन्याओं के लिए लोग देते जा रहे हैं दान में, तो आप लोग भी दान दे सकते हैं। और 19 तारीख तक यहाँ पे दान होगा क्योंकि 19 तारीख को जो है शादी है, 18 तारीख तक जो है आप दान करना है, जो भी दान करना है आप दान कर सकते हैं। क्यों पापा जी? हाँ, तो पापा जी ने तो कल दान कर ही दिया था, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाई दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं और आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जो बताएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो कल फिर मिलेंगे किसी बढ़िया से ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे।